भारती जी, बताइए आपने ये फ्रूट्स यहाँ पे पिरामिड के अंदर कब से रखे हुए हैं? ये फ्रूट्स पिरामिड के अंदर 5 दिन से पड़े हुए हैं और वैसे के वैसे फ्रेश है। निकालिए आप उनको। What is the reason it acts as a fridge? What is the scientific reason to it? ये जो पिरामिड का शेप है उसमें 63 डिग्रीज टेम्परेचर रहता है हमेशा, इसकी वजह से इसमें जो भी आइटम रखी जाती है वो वैसी की वैसी रहती है। फ्रूट्स इसमें 10-12 दिन हम रखेंगे तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे, लेकिन डीके नहीं होंगे, डिहाइड्रेट होते हैं। और दही और ये और ये चीजें यहाँ पे रखी हुई बाद में। हाँ, ये सब आइटम, दही अगर पिरामिड के नीचे रखेंगे तो वो जल्दी खट्टा नहीं होता है। नॉर्मली 10 घंटे में के अंदर दही खट्टा हो जाता है। आप उठाइए इसको, इसमें दही को उठाइए। हाँ बताइए। इसमें खट्टा नहीं होता है, उसका टेस्ट वैसा ही रहता है। दूध भी बहुत 8-10 घंटे तक फ्रेश ही रहेगा पिरामिड के नीचे। तो फिर आप नॉर्मली फ्रिज इस्तेमाल नहीं करती है? नहीं, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे सब पिरामिड्स के नीचे ही रखते हैं। फ्रिज में रखने से थोड़ा टेस्ट भी फीका हो जाता है। फ्रिज का टेम्परेचर कैसे होता है वैसे? फ्रिज का इससे ज्यादा कूल होता है, कम। तो अगर आप कितने दिन, मैक्सिमम कितने दिन रख सकती है इनको? हमने आम रखा था, आम की सीजन में पका हुआ आम तैयार 8 या 10 दिन वैसे ही रखा था। इसके ऊपर, इसके स्किन के ऊपर वो रिंकल्स आ जाते हैं, वो भी नहीं हुए, वैसा का वैसा फ्रेश रहा था। क्लोज इन द सेंस क्लोज दही वगैरह जो दिखाई लग, एकदम क्लोज वर्ती है सर। इकड़े क्यों कहते हैं? हाँ उठाइए आप और दिखाइए दही की तरफ। उठाइए, वो भी उठाइए, कैमरा की तरफ थोड़ा टिप करिए। ठीक है, जेव्हा ते मी विचारत होते तेव्हा मी वाईट होता ना तू, कारण तो तुझ्या टेम्परेचरचा प्रश्न आणि फ्रीजचा प्रश्न विचारलं होता। तो प्रेम होता काढून घेऊ बाजूला याच्यापासून। कितने दिन पहले का था ये? कल रखा है। वैसा गैस वगैरह जो होता है, इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन बॉम्बे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो उससे दे फील गुड। वाइट है।